Indian boxers Vikas and Amit have entered the semi-finals performing brilliantly in the Asian Games 2018. Vikas has bagged third medal in the Asian Games defeating Erbieke Tanglatihan of China by 3-2. Now he will be playing against Abilkhan Amankul of Kazakhstan. Boxing coach Jaidev Bisht is also expecting that Amit and Vikas will get a gold medal this time. He believes that the Asian Games are challenging for Indian boxers. In an interaction with NNIS, he said that as India won two medals in 2014, two medals in the Asian Games 2018 are also confirmed. Vikas hamara medal hopes raha hai shuru se. Jab hum yahan khelne gaye the to projected tha ki wo medal dega humko. Usme apna khara utra ho. No doubt. और आगे भी मगर उसमें कैपेसिटी है विल टू और उसके बाद दिल है दिल से खेलता है विल टू विल विल टू विन है उसके ऊपर पावर इसलिए खेलता जीतता हूँ पॉजिटिव वे में हम भी सोचते कि जीतेगा ये अगली बाउट भी जीतेगा कजाकिस्तान से कजाकिस्तान एक टफ बॉक्सर है नॉट ईजी एक्सपीरियंस बॉक्सर है वो भी और वैसे बॉक्सिंग नेशन कंट्री है नेचुरली गुड है अच्छा तो विकास भी उसमें कैपेसिटी है कि उसको हरा सकता हूँ अब मेरी उससे यही उम्मीद है कि स्ट्रेटजी हर कोई चेंज खेलता है अगर जैसे कजाकिस्तान अटैकिंग खेला तो काउंटर खेलेगा वैसे जैसे विकास भी अपना हर हम कोचेस जो है अपनी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं भी ओपोनेंट को देख के हुए नेक्स्ट बॉल को हमारी ओपोनेंट से किसे अगर उसकी कजाकिस्तान वह काउंटर खेलता है तो उसको हमने काउंटर नहीं खेलने देना उसको उसको बोला आप भी काउंटर खेलो अब देखो जी उसका विल है विन है अगर उसने सोच लिया मैंने जीतना तो जीतेगा नो डाउट अमित से भी देखो अपकमिंग बॉक्सर है बहुत अच्छी उम्मीदें मार सकता है जब उसने क्या कहते हैं वो पीआरके का लड़का था बहुत अच्छा था वो लड़का पीआरके अच्छा बॉक्सर है इस वेट में ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं तो नेचुरली जिस जिस कंट्री का इस वेट में मेडल होता है तो वो बॉक्सर अच्छे होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी आए तो अच्छे बॉक्सर होते हैं तो वो उसमें वो भी जीत सकता है देखिए हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं कि हम गोल्ड लाएंगे हमारी उम्मीद तो यही है देखिए सरजू वाला टाइम था उसका एक पीक पीरियड था उस टाइम उसको चांस नहीं मिला अब उसने दोबारा कोशिश करी मेहनत करी सारी एशियन गेम खेलने की चाइनीज़ आपको पता है इस वेट में चैम्पियन है तो नेचुरली चैम्पियन साहब के साथ खेलना नेचुरली 50-60-40 का रेशियो रहता है उस टाइम प्रेशर भी रहता है प्लेयर के ऊपर कि यार ये चाइनीज से खेल रहा हूँ मैं अच्छी लड़के हैं तो खरी नहीं होती पर अपनी तरफ से बेस्ट खेल लियो ऐसा देखिए ये अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं कभी परफॉर्मेंस आती है कभी नहीं आती है डिपेंड करता है लक के ऊपर डे के ऊपर भी डिपेंड करता है प्लेयर का डे है कि नहीं है किसी दिन बॉडी चलती है किसी दिन नहीं चलती है जिस दिन चल जाती है वो जीत जाता है अंतर इतना है ऐसे कुछ मेरी कॉम ठीक है मेरी कॉम लीजेंड नो डाउट मेरी कॉम के बराबरी कोई कर नहीं पाएगा ना कर सकता कोई पांच बार वर्ल्ड चैम्पियन दोबारा मतलब लीजेंड बॉक्सर है उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई नो डाउट 2014 में हमारा दो मेडल थे इस बार ही दो मेडल है मेंटेन कर रखा हमने ऐसी कोई बात नहीं पर एशियन गेम हमारे लिए टफ होता है बॉक्सर्स के लिए बहुत टफ होता है क्योंकि इसमें ब्रेक हुए ग्रुप आता है रशियन जो है वो पावर गेम में अच्छे हैं इसलिए टफ होता है इतना उम्मीद नहीं है हमारा 2010 में रहा था सबसे अच्छा रिजल्ट 7 मेडल आए थे एशियन गेम्स में